हेलो फ्रेंड्स, घर पे ही चार चीज़ों से हम डिलीशियस कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बना सकते हैं। अब क्या आपको पता है? तो हम बनाते हैं। उसके लिए हमको एक सॉस पैन चाहिए। अभी पैन में हम आधा कप शुगर ऐड करेंगे। चीनी को हमें एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है। शुगर को हमें किसी भी करछी या स्पैचुला से हिलाना नहीं है, जस्ट पैन को मूव करना है इस तरह से जैसे मैंने दिखाया है। अब उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा और मेल्ट भी हो जाएगी, तब हमें इसे स्पैचुला से मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, और पिघल जाने के बाद हमें गैस ऑफ कर देना है। अभी इस शुगर सिरप को हमें इस तरह के फ्लैट टिन में या फिर किसी भी डब्बे में हमको इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला लेना है और इसको हमें साइड पर रख लेना है। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हम दो कप मिल्क ऐड कर लेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम उसमें आधा कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करते ही हम उसमें 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ें हमें ऐसे ही ठंडे दूध में ही मिलानी है। अब मैंने 4 स्लाइस ब्रेड को मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया है और उसको भी मैंने इस तरह से मिल्क में ऐड कर लिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब हम उसको गैस पे चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए। ये 10 से 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। हमें इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि ये पैन में चिपक ना जाए। ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। अभी इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करते ही रहना है। आप देख सकते हो ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अभी हमको इसको अभी भी पकाना है। इस तरह से मिक्स करते हुए हमें पकाते रहना है। अभी ये पूरी तरह से पक गया है। आप देख सकते हो ये पूरा गाढ़ा हो चुका है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे रुक रुक के ये गिरता है। हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी इस मिक्सर को हमने जो शुगर सिरप बनाया था उस मोल्ड में हमें इसको लाइन अप कर देना है। सारा जो मिक्सर है हमें इसमें ऐड कर लेना है। पूरा मिक्सर मोल्ड में डालने के बाद हम उसको हल्का हल्का इस तरह से पूरा टैप कर लेंगे। हल्का ही टैप करना है हमको। अब इस मोल्ड को हम फॉइल पेपर से पूरा रैप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे। मोल्ड को कवर करने के बाद हमें इसको स्टीम करना है। मैंने यहाँ पे स्टीमर रेडी कर लिया है और ये मोल्ड को मैंने स्टीमर में रख दिया है। स्टीमर को हमें कवर कर लेना है ढक्कन से। अब इसको हमें एकदम स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। 20 से 25 मिनट तक हमको इसको पकाना है। इसे पकते हुए 25 मिनट हो चुकी है। हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और हम इसको बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर का ये फॉइल निकाल के हम चेक करेंगे। इसको हम अभी अपने हैंड की मदद से इसको चेक करेंगे। ये हैंड पे नहीं लग रहा, मतलब ये पक गया है। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसको 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। हम चेक करते हैं, ये पूरी तरह से सेट हो गया है। एक नाइफ की हेल्प से हम इसके कोनों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब एक प्लेट को उसके ऊपर रखेंगे और उसको पूरा उल्टा करके थोड़ा सा हम उसके ऊपर टैप करेंगे और ये टिन हमारा रिमूव कर लेंगे। अभी देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया, एकदम गोल्डन येलो और पूरा ऊपर से गोल्डन गोल्डन हमारा जो शुगर कोट है वो अच्छी तरह से हमें दिख रहा है। आज की जो हमारी ये डेजर्ट है कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग, कितनी अच्छी दिख रही है, कितना अच्छा वाइब्रेंट कलर इसमें दिख रहा है। अब हम इसको कट करते हैं नाइफ से। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट एंड यमी बना है हमारा ये सिंपल सा डेजर्ट। अब इस पुडिंग के पीस को हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं और ऊपर से जो बचा हुआ शुगर सिरप है उसको हम पॉर करेंगे। है ना एकदम टेस्टी यमी स्वीट कूल डेजर्ट। आप इस समर में इसको अपने घर पे बनाएं। सिर्फ 4 चीज़ों से ये बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट यमी।